गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाँ वही है, 12:30 सवा 12 हो रहे हैं। सो के उठ गए थे, कॉफ़ी भी पी ली हमने, तो अभी थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं कल से। बट गाइस, कल रात को ना मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। मेरे को लग रहा था वॉमिट सा, और मेरा पेट थोड़ा सा, पेट जैसे फूला सा नहीं होता वैसा सा हो गया था। पता नहीं गैस थी क्या थी, वॉमिट लग रहा था और जी मचा रहा था, पता नहीं अजीब सा हो रहा था कल। और कुणाल को भी शायद बर्पिंग, जब बर्पिंग हो रही थी ना, वो होता था डका रहे थे ना, पता नहीं क्या। चलो यार, हो गया तो हो गया, अब ठीक है, हमको अब ठीक है। और कॉफ़ी पी ली, बाकी दिनचर्या आपको दिखाएंगे आज का। सुनो, इंग्लिश में बात करें आज, देखता अंग्रेजी? तो चलिए, हम आज आज का दिनचर्या कराएंगे। हम करेंगे एक दिन हम फुल डे करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है? कल करेंगे। फुल डे इंग्लिश स्पीकिंग। आदत है नहीं इंग्लिश बात करने की, ये देखिए याद आ गया, आदत है नहीं इंग्लिश में बात करने की, इंग्लिश में बात करेंगे। चलो देखते हैं, बीपीओ में काम कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, अब देखो एक्सेंट कैसा रहता है। है चैनी? अच्छा क्यों आप बोल दो, हाउ डू यू डू? हाथ तो छोड़ दे मेरा, हाथ तो छोड़, अरे हाथ तो छोड़ दे, हाथ में बैठ गया। तो चलो गाइस, मैं आपको मिलती हूँ थोड़े से टाइम में। हम लगाएंगे झाड़ू पोछा करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, किचन साफ, मैंने रात को ही साफ कर दिया था, किचन पूरा चमाक चक कर दिया था, बस बर्तन पड़े हैं वो आंटी कहाँ के करेंगी। बाकी फिर हम मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में, सी यू सम टाइम, आई बी बैक सून। वेलकम बैक गाइस, हमने झाड़ू पोछा कर लिया, नहा लिया, धो लिया, कुछ कर लिया। और गाइस, हमने खाना नहीं मंगवाया, हमने खाना नहीं बनाया क्योंकि खाना था ही नहीं, और कल कल चने चने कितने खा लिए गाइस। 1 सेकेंड, कल का व्लॉग थोड़ा मैं वॉल्यूम कम कर दूँ, 1 मिनट। तो हमने आज मैकडोनल्ड्स मंगवाया, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया। ये देखिए, ये हमने मंगवाए हैं लार्ज फ्राइज, और ये मैंने मंगवाया है पिज़्ज़ा मैकपफ, और ये मैंने क्यू के लिए घर में फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। और हमने क्या क्या मंगवाया मैं आपको बताती हूँ। और कुणाल का है मैक स्पाइसी पनीर, और मेरा है मैक आलू टिक्की। तो ये हमने मंगवाए हैं आज आइटम, कुणाल खा रहे हैं, और चलिए हम भी खाते हैं। यार भूख लग गई बहुत तेज़, क्योंकि सुबह की सिर्फ कॉफ़ी पी हुई है। और ये रख क्यू, क्या से हाय, चलिए गाइस हम अब कल लंच करते हैं। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो शाम के बज रहे हैं 7, और गाइस ये जो था ना, मैंने बेडशीट निकाल दी थी इसकी, और मैं इस पर लगा नहीं पाई थी। और ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने निकाल के रखे थे, जो कि ना देने हैं, जो यूज़ में नहीं है। तो ये मैं छाटूंगी और मैं ये रूम क्लीन करूंगी। बेटा क्या हुआ? और हमारी जो ये अलमारियाँ हैं ना, इसमें पसारा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको क्लीन करूँ, तो चलिए आज हम क्लीन करते हैं। और इसमें हमारे कुछ पुराने सामान भी हैं, कुछ दिखाने लायक होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो चलिए अब हम फटाफट रूम क्लीन करते हैं। सेकेंड रूम मेक ओवर विद मी। तो चलिए कैसे रूम क्लीन करते हैं।
मेरे को क्या मिला, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये मैं हूँ, ये सब मैं हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये सब ना मेरी लंदन की फोटोज हैं, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये मैं हूँ, ये मैं आई थिंक 2-2.5 साल की हूँ, टब में बैठी हूँ, और ये मैंने जब चलना शुरू किया था, कितनी क्यूट थी ना मैं, और ये देखिए, ये सारी लंदन की फोटोज हैं। मैं आपको ना क्लोजअप करके दिखाती हूँ मेरी शक्ल ठीक से, आप बताना कि मेरी शक्ल चेंज हुई है या वैसे की वैसी। बेटा हटो ना साइड, ये देखिए कियान मेरे जैसा दिखता है ना, ये देखिए, और ये मेरा फर्स्ट बर्थडे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी ने बताया था मेरी टीथिंग हो रही थी और ये भी लंदन की है, और गाइज ये है केनिया की, नायरोबी की, देखो मैं कितनी पतली थी, पापा के साथ गई थी मैं नायरोबी में। ये पीछे आप देख रहे हैं पिंक पिंक, ये सारे फैल्कन्स हैं, पिंक कलर की फैंकल फैल्कन्स होते हैं ना, मैं ये गई थी मसाई मारा, तो ये देखिए मसाई मारा, तो ये मेरी फोटो देता गाइस, देखा मैं कहता ना कुछ ना कुछ मिलेगा पुराना तो मैं आपको दिखाऊंगी, चलिए गाइस। ये देखो चोतुचा क्यू दिख रहा है आपको, क्यू चोतुचा। और गाइस आपको एक चीज दिखाऊं, मुझे पता क्या मिला, जाओ यहां से, मेरे हैं वो, ये देखो दिख जो भी है, एक थैली थी उसमें से मिला, अब ये मेरे हैं। तू पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। ये देखो गाइस, ये हम मनाली गए थे घूमने, शादी शादी हमारी शादी जब हुई थी ना, हम गए थे मैक्लोड, मैक्लोड के बाद हम गए थे मनाली फर्स्ट टाइम, तो ये हमने वहां से बनवाया था। ये देखो हमारे ना रूम के सामने छोटा सा, याद है लोनी, ये हमने बनवाया था, बट अब हम ये लगा नहीं सकते क्योंकि कियान आ गया ये देखो ये वाला, हडिम्बा देवी टेम्पल है ना वहाँ पे, ये हैंड से कार्विंग करते थे, क्राफ्टिंग क्राफ्टिंग करते थे, ये पूरा हैंड पेंट है, देखिए आप मेरे को उल्टा दिख रहा है शायद आपको सीधा दिख रहा है, कभी टाइम लगा था, 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लगा था, हम लोग हडिम्बा टेम्पल पे घूम के आए थे और वहाँ पे वन विहार था वो भी घूम लिया, तो उतने में उसने करके दे दिया, तो ये कुणाल एंड कविता लिखा हुआ है, मैं कह रही ना चीज़ें मिल रही तो आपको दिखाऊंगी। गाइस हमारे पास होल सेल में ना प्लास्टिक का सामान पड़ा, चाहिए तो बता देना, ये देखो चम्मचें, ग्लासेस और चम्मचें। एक्चुअली क्यू का बर्थडे था, हमने क्यू का ना फर्स्ट बर्थडे बनाया था, तो तब लाया था हमने सामान, हम लोगों ने डिस्पोजेबल्स यूज़ किए थे। चलिए मैं और सफाई करती हूँ और दिखाती हूँ चीज़ें, ये देख रहे हो, ये मिस्टर हेल्पफुल, मिस्टर हेल्पफुल कुणाल शर्मा, मिस्टर हेल्पफुल आए भाई, उनको अवार्ड मिला था मिस्टर हेल्पफुल का कॉलेज की तरफ से, कह रहे फेंकना नहीं,
लगा के घूमेंगे ऐसे। तो गाइज मैंने क्लीन कर दिया है, पूरे 1.5 घंटे लग गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ अलमारी और बेड दिखाती हुई, देखिए। एक्चुअली गाइज हमारे पास ना सामान बहुत है, तो हमने ना थोड़ा सा मैंने ऐसे क्लीन कर दिया। देखिए पहले तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, ये मेरे को सेट करना है, ये मैं किचन में सेट करूँगी। नीचे भी सब हमने क्लीन कर दिया है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, इसमें शूज़ हैं जो कि नए के नए हैं, सैंडल्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक के मैंने सॉकेट्स रखे हैं, और ये मैक्स के कपड़े हैं। तो ये क्लीन हो गया हमारा, और ये भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। देखिए नीचे भी पूरा क्लीन कर दिया। ये कुनाल का इम्पोर्टेंट बैग है, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और ये भी मैंने क्लीन कर दिया। इसमें भी सब सॉकेट वगैरह रखे हैं, मैक्स की लीश वगैरह है, मोस्टली इसमें मैक्स का ही सामान है, उसकी ट्रीट वगैरह रखी है मैंने इसके अंदर। तो ये भी हमारा क्लीन हो गया पूरा। ऊपर भी कुछ नहीं है, हेलमेट है बेटा, हेलमेट है और एक बैग है जिसमें पुराना सामान है। हट जा मैक्स, और मैक्स को देखो हमने चेन पहनाई है गाइस, देख रहे हो चेन, ये मेरे को चेन मिली, मैंने इसको पहना दी। मैक्स सिट,
सिट। और गाइस आज हम बहुत टाइम के बाद इस रूम में टीवी देख रहे हैं। आज इस रूम में बैठे हम, नहीं तो आप हमेशा हमें उसी रूम में देखते होंगे। हमारा व्लॉग चल रहा है और ये देखिए मैंने सब क्लीन कर दिया बेड। कियान खेल रहा है। आज हम लोग इसी रूम में खाना वाना खाएंगे। तो हो गया क्लीन और बाकी का कुछ सामान है, ये देखिए ये कुछ सामान है जो मैंने उस बेड में रखने हैं। तो गाइज़ ये मैं करूँगी अभी, करती हूँ फटाफट। चलिए करते हैं। कैप पहन के खुश हो रहा है। तो गाइज मैंने आज बहुत काम कर लिया। रिमोट लेके आओ, जाओ रिमोट लेके आओ, वो रहा रिमोट। आज मैंने बहुत काम कर लिया, मतलब मेरे को गाइज मैंने ना 7:30 बजे स्टार्ट किया था ये रूम साफ करना और अभी टाइम पता क्या हो रहा है, 9:45। तो 9:45 हो रहे हैं अब और मैं अभी एक रूम करके ही थक गई हूँ। रूम क्या यार, कितना अलमारी कितना बेकार था, आप लोगों ने देखा था। तो मैं अब थक गई हूँ। खाना कुराल ने बनाया है, फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बना दी है। अब हम खाना खाएंगे और मैं आपसे मिलूँगी कल। तो ये था हमारा दिवाली क्लीनिंग रूटीन। तो गाइज अब मैं आपसे कल मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ और हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए गाइज और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप, वैसे देख लेते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब कर। अभी अभी टाटा नहीं, रुक जब बोलने थे, बात करने थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। तो गाइज हम आपसे मिलते हैं कल एंड फॉर टुनाइट गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल एंड टाटा गाइस, सी यू टुमारो, टाटा टाटा, सी यू।